नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिना जोशी छेत्री। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जनसभा को किया संबोधित, कहा उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करेगी। केदारनाथ में शंकराचार्य की समाधि स्थल के पास जमी पर पिघलाने के लिए राज्य सरकार ने तैयार की नई कार्य योजना। मुख्य सचिव ने कहा सोलर ऊर्जा के जरिए पिघलाई जाएगी बर्फ। प्रधानमंत्री ने दिया था सुझाव। पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने देहरादून में अपराध, साइबर क्राइम और चारधाम यात्रा को लेकर की बैठक। दर्शन के लिए आ रहे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के इंतजाम पूरे करने के दिए निर्देश। और रुद्रपुर में सड़क हादसे में दो सगी बहनों की मौके पर मृत्यु से सदमे में परिवार। हादसे में घायल दो अन्य लड़कियों की हालत गंभीर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करेगी। उन्होंने वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। काशी की जनता प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सड़कों पर उमड़ी हुई थी। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलिस लाइन से काशी विश्वनाथ तक के 6 किलोमीटर लंबे रास्ते से होकर गुजरे और काशी वासियों को धन्यवाद दिया। चिलचिलाती धूप के बावजूद प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए रास्ते में भारी भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। श्री मोदी ने अपने प्रति प्यार व्यक्त करने के लिए शहर के लोगों का धन्यवाद किया। काशी तो अविनाशी है और जो स्नेह मुझे दिया है, जो शक्ति मुझे दी है, ये अपने आप में शायद ही ऐसा सौभाग्य मिलना बहुत मुश्किल होता है। और काशी के हर समर्थक का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस चुनाव को जय और पराजय के तराजू से नहीं तोड़ा। मैं समझता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की यह बहुत बड़ी घटना है। जय और पराजय के तराजू से नहीं तोड़ा, उन्होंने चुनाव को एक लोक शिक्षा का पर्व माना, लोक संपर्क का पर्व माना, लोक संग्रह का पर्व माना, लोक समर्पण का पर्व माना। जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव के गणित पर जनता की केमिस्ट्री भारी पड़ी है। गुणा भाग का हिसाब किताब के परे भी एक केमिस्ट्री होती है। देश में समाज शक्ति की जो केमिस्ट्री है, आदर्शों और संकल्पों की जो केमिस्ट्री है, वे कभी कभी सारे गुणा भाग, सारे अंक गणित को निरस्त कर देती है, पराजित कर देती है। और इस बार अंक गणित को केमिस्ट्री ने पराजित किया है। कार्यक्रम में 500 से ज्यादा कलाकारों ने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की झलकियां पेश की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर अपने नेता का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के स्वागत के अंदाज से भाव विभोर नजर आए। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री का जोर उत्तर प्रदेश के विकास पर है। केदारनाथ में शंकराचार्य की समाधि स्थल के पास जमी बर्फ पिघलाने के लिए राज्य सरकार ने नई कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत सोलर हीटर के जरिए बर्फ पिघलाने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि शंकराचार्य की समाधि स्थल के दर्शन किए जा सके। केदारनाथ दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था। उन्होंने कार्यदायी संस्था के शीर्ष अधिकारी के साथ मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह से भी इस बारे में बात की थी। उसी समय प्रधानमंत्री ने सोलर हीटर के जरिए बर्फ पिघलाने का सुझाव दिया था। कार्यदायी संस्था और मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने नरेंद्र मोदी के सुझाव को एक बेहतर सुझाव बताया।
यात्रियों को शंकराचार्य समाधि स्थल के दर्शन करने में परेशानी हो सकती है, तो उनका उनकी जिज्ञासा थी कि क्या वहाँ कोई हम हीटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं, तो उन्हें अवगत कराया गया कि हीटिंग की व्यवस्था हम वहाँ पे कर रहे हैं। उस पे उनका सुझाव था कि हमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने पर विचार करना चाहिए, वो हीटिंग जो सिस्टम हम वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। तो इस सुझाव के ऊपर हम लोग भी वर्क कर रहे हैं कि वहाँ पर वो किस हद तक फिजिबल होगा, और प्रयास ये किया जाएगा कि उसे हम वहाँ पर उसी हिसाब से इंस्टॉल करें। केदारनाथ में शंकराचार्य के समाधि स्थल के चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। मुख्य सचिव के मुताबिक इससे प्रधानमंत्री को ये चिंता हुई कि कहीं समाधि स्थल बर्फ में लीन ना हो जाए, इसलिए यहां आसपास की बर्फ पिघलाने की बात कही गई। गढ़वाल आयुक्त डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने केदारनाथ में हेली सेवाएं मुहैया करा रही कंपनियों को टिकट बिक्री में पारदर्शिता बरतने की हिदायत दी है। साथ ही एडीएम और सीओ को इस संबंध में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आज गढ़वाल मंडल विकास निगम ने गुप्तकाशी में हेली संचालकों के साथ बैठक की, जहाँ गढ़वाल आयुक्त डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने केदारनाथ यात्रा के लिए सेवाएं दे रही 9 हेली कंपनियों के प्रबंधकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि टिकटों की कालाबाजारी की सूचनाएं मिल रही हैं, इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाए। गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि किसी भी कंपनी की कालाबाजारी में संलिप्तता पाए जाने पर कंपनी को सीज कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की होगी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ यात्रा में देश विदेश से यात्री आते हैं, उत्तराखंड की छवि को बनाए रखने में सभी अपना कार्य ईमानदारी से निभाएं। इसके साथ ही गढ़वाल आयुक्त ने हेली संचालकों को सभी हेलीपैड पर डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। डिस्प्ले बोर्ड में अगले दिन के लिए जारी होने वाले ऑफलाइन टिकटों की संख्या के साथ ही पिछले दिन के बैकलॉग टिकट और टिकट जारी करने के समय को प्रदर्शित करना होगा, ताकि यात्रियों को टिकट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद आज वन मंत्री हरक सिंह रावत ने लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग को लेकर बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के अधिकारियों ने शिरकत की। बैठक में वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि ये भाजपा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमने जो सड़क मार्ग का काम शुरू किया है वो नियमों के तहत किया है। इस सड़क के बनने से लोगों को बहुत सुविधा होगी। वन मंत्री ने कहा कि नेशनल टाइगर अथॉरिटी की गाइडलाइन इस सड़क पर लागू नहीं होती है। उत्तराखंड सरकार ने इस निष्कर्ष पर पहुंची है, हम ने जो सड़क मार्ग निर्माण का काम शुरू किया है वो नियमों के तहत किया है, उसमें कोई विधिक अड़चन नहीं है, और यही लड़ाई हम यही पैरवी हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में करेंगे कि हमने बिल्कुल जो गाइडलाइंस थी नेशनल टाइगर अथॉरिटी की वो इस सड़क पर लागू नहीं होती थी, और ये पैरवी हम बहुत मजबूती के साथ हमने राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की ओर से जारी एक गाइडलाइन के बाद शासन ने इस वन मोटर मार्ग में हो रहे पुल निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। साथ ही NGT की ओर से मामले में शासन से पूरी रिपोर्ट तलब की गई है। NTCA की ओर से गाइडलाइन के आधार पर लैंसडाउन वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी ने लालढांग चिल्लरखाल वन मोटर मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों को रोकने के निर्देश दिए थे। कंडी रोड का निर्माण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। देहरादून पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने अपराध, साइबर क्राइम और यात्रा मार्ग को लेकर बैठक की। बैठक में DGP ने सभी कप्तानों और अधिकारियों को लोकसभा चुनाव सकुशल संपन्न कराने की बधाई दी। DGP ने चारधाम यात्रा के लिए आ रहे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के निर्देश दिए। जो हमारी यात्रा है जो इस दौरान चल रही है उसकी सुरक्षा, उसके लिए यातायात हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस दौरान आप अवगत हैं कि बहुत अधिक संख्या में बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश में बाहर से लोग पर्यटन के लिए आ रहे हैं, चाहे वो यात्रा के संदर्भ में हो या अन्य पर्यटन के हों। लेकिन अभी हमारी बहुत सारी रोड्स ऐसी हैं जिन पर कार्य चल रहा है, जहाँ अभी बहुत नई रोड बन रही ही हैं और वहाँ डेबरी रास्ते में है, बड़ी संख्या में वाहन आ रहे हैं,
ताकि असुविधा लोगों को कम से कम हो, उस पर हम लोगों ने चर्चा करी। बैठक में पुलिस महानिदेशक ने पुलिस कप्तानों को लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजभवन गोल्फ क्लब की ओर से आयोजित 3 दिवसीय 17वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट रविवार को संपन्न हो गया। प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ के प्रेम सिंह विजेता, दिनेश पवार उप विजेता रहे। सुपर वेटरन वर्ग की विजेता ट्रॉफी पर विंग कमांडर HS बेदी ने कब्जा किया और MC निगम उप विजेता रहे। वहीं गवर्नर्स कप इंटर कॉलेज कप इंटर स्कूल टूर्नामेंट में विजयी रहे ML शाह बाल विद्या मंदिर को बालिका वर्ग में और सेंट जोसेफ कॉलेज को बालक वर्ग में पुरस्कृत किया गया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सभी विजेताओं को पुरस्कार दिए। समापन कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राजभवन गोल्फ कोर्स को आमजन से अधिक जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राजभवन गोल्फ कोर्स को स्कूली बच्चों के लिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यहां वर्ष में 2 बार इंटर स्कूल प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल ने गोल्फ में बालिकाओं की बढ़ती रुचि पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि गोल्फ युवाओं के व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है। यह शारीरिक दक्षता के साथ साथ मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। इससे ध्यान केंद्रित करने और सकारात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इस गोल्फ प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नैनीताल और उत्तराखंड के पर्यटन का प्रचार प्रसार करना है। राज्यपाल ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए गोल्फ खिलाड़ी और उनके परिजन सही मायनों में उत्तराखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि जब वे नैनीताल से वापस अपने घरों को जाएंगे तो यहाँ की आबोहवा, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के आतिथ्य के बारे में और लोगों को बताएंगे, उन्हें उत्तराखंड आने के लिए प्रेरित करेंगे। राष्ट्र आज प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी 55वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, UPA अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजधानी में पंडित नेहरू को उनके स्मारक शांतिवन में श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। वहीं राजधानी देहरादून में भी इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और वरिष्ठ नेता हरीश रावत के साथ ही किशोर उपाध्याय ने भी कांग्रेस कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जवाहरलाल नेहरू एक वैज्ञानिक विचार विषय पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। रुद्रपुर में सड़क हादसे में 2 सगी बहनों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य लड़कियां गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा सुबह करीब 9:30 बजे हुआ, जब तेज रफ्तार से आ रहे एक कंटेनर ने 4 युवतियों को रौंद दिया, जिसमें 2 की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद कंटेनर चालक फरार हो गया, इससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर कोतवाल कैलाश भट्ट पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया और दोनों बहनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। कोतवाल ने बताया कि अस्पताल में भर्ती दोनों महिलाओं की हालत भी गंभीर है। एक साथ 2 बहनों की मृत्यु से परिजन बेहद सदमे में है। स्थिति इस समय कंट्रोल में है और जो 2 बच्चे एक्सपायर हुए उनको पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेज दिया गया है और इसके अतिरिक्त 2 बच्चों को, जो एक महिला भी है, गंभीर रूप से घायल है, इनको यहाँ बगल में प्रसाद हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। पौड़ी के कलजीखाल विकासखंड के ग्रामीणों ने बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर गढ़वाल आयुक्त BVRC पुरुषोत्तम से मुलाकात की। ग्रामीणों का कहना है कि कोटद्वार से कलजीखाल और पौड़ी से सुराल गांव तक चलने वाली बस सेवा बंद होने से छुट्टियों में घर आने वाले प्रवासियों और ग्रामीणों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। गढ़वाल आयुक्त ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि जल्द ही बस सेवा सुचारू कर दी जाएगी, जिससे लोगों की मुश्किलें हल होंगी। आज यहाँ पर असवालसू पट्टी से काफ़ी ग्रामीण यहाँ पर आए थे हमसे मिलने के लिए और बसों की जो वहाँ पर जो बसें हैं, दोनों बसें बंद हो गए करके। यात्रा से पहले हमने 3-4 मीटिंग्स लिया है और हमने GMVU का पदाधिकारियों को हमने बता दिया गया है कि जो माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश है 60% और 40% सेवाएँ यहाँ पर निश्चित रूप से चलेगी। और हमने ये भी बता दिया है कि जहाँ पर एकल बस की जो रूट है वहाँ पर तो बिल्कुल ही बंद नहीं होगी। मुझे लगता है कि किसी कारणवश ये त्रुटि हो गई होगी। उम्मीद है कि इसको, इस प्रॉब्लम को हम जल्दी सॉल्व करेंगे और वहां पर ग्रामीणों को हम बस जल्दी भेजेंगे। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवाओं पर असर पड़ा था, लेकिन गढ़वाल आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिन मार्गों पर एकल बस सेवा है वहां नियमित रूप से बस चलाई जाएगी।
इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।